कई गुलामियों की तो हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन जिस गुलामी ने हमारे देश को कंगाल कर दिया, हमारे देश को खोखला कर दिया, कभी इतिहास के पन्ने पलटना, और जब इतिहास के आप पन्ने पलटेंगे तो इतिहास का वो घटनाक्रम भी आपको हमको जानना चाहिए कि सोचो एक विदेशी कंपनी यहाँ व्यापार के लिए आई थी, एक विदेशी कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी और मसाला लेकर के जाती थी, काली मिर्च सबसे बड़ा व्यापार उस समय की उस कंपनी का काली मिर्च का था। हालांकि जब आपके गांव में भूसा में अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ खेत में मिर्ची लगी है, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूं, अरे अभी ये जो नारे हैं ये अभी जल्दीबाजी मत करो, इसलिए जल्दीबाजी मत करो कि अभी 2 साल तुम्हें ऐसे ही नारे लगाने हैं। इसलिए जब आपके गांव में घुसा मैंने तो देखा खेत में वो दूसरी मिर्च होती, देखो ये लगता जानता ही नहीं कुछ, ये बीएपी वाला आदमी है लगता है। और ये बात मैं बाद में समझाऊंगा क्यों कहा बीजेपी वाला मैंने, ये मिर्च दूसरी है, और जो अंग्रेज कारोबार कर रहे थे वो काली मिर्च जो मसाले का व्यापार कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि आपकी मिर्च तीखी होगी या काली मिर्च वो गोल वाली तीखी होगी, तो आपको सोचना चाहिए कि एक विदेशी कंपनी जो कारोबार के लिए आई और ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वो सरकार बन गई और सरकार बन करके हम पे आप पे राज किया, सोचो कितने साल। हमारे पत्रकार साथी अगर पन्ने पलटेंगे इतिहास के तो वो जानते होंगे कि वो ब्रिटिश कंपनी थी, वो कारोबार करने आई और सरकार कब बन गई कोई नहीं जाना, और वो इतनी ताकतवर सरकार बन गई कि हमारे देश को कई वर्षों गुलाम रखा। आजादी के बाद जो तस्वीर हमारे देश की बननी चाहिए थी, शायद अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो वो तस्वीर नहीं हम लोग बना पाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सुंदर देश है। और खूबसूरत देश हम इसलिए कहते हैं कि इतनी जाति और धर्म के लोग कहीं नहीं रहते जितने भारत की धरती पर रहते हैं। आप इस देश के बाहर निकल जाइए, कहीं इतनी जाति धर्म के लोग नहीं रहते। ये हमें और आपको तय करना है कि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि नहीं है। जाति और इतने धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हो, या पारसी हो, दुनिया में एक धरती पे इतने धर्म और इतनी जाति के लोग नहीं रहते जितने अपने देश में रहते हैं। हमारे देश की खूबसूरती है वो यही है कि सब जाति और धर्म मिलकर के हम एक साथ रहते हैं, और इस खूबसूरती को बनाए रखना है हमें, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, सर पे लाल टोपी भी है कुछ लोगों के, और पगड़ी वाले तो बहुत आगे हैं कानपुर के, आज आए हो इस गांव में आते रहना बाद में भी। ये बात मैंने उसको क्यों की थी नौजवान, हम और आप सब लोग गांव के लोग हैं, बीजेपी के लोग एक प्रचार करते हैं कि हमने गांव को सिलेंडर दे दिया, एक ये अच्छी बात है आपने सिलेंडर दिया, गैस का चूल्हा भी दिया, अच्छी बात की, लेकिन सस्ता रहता तो हमें और आपको बहुत आराम मिलता, हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, लेकिन वो बीजेपी वाली ये जानते ही नहीं है कि गैस के चूल्हे पे मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी नहीं बन सकती। अगर ये बात बताओ माताओं बहनों, अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए, ये मौसम ही ऐसा है कि मक्के और बाजरे की रोटी का है मौसम, बताओ उस गैस चूल्हे पे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी,
ये बीजेपी वालों ने आपका स्वाद छीन लिया है, स्वाद छीना है कि नहीं छीना बताओ, कैसे बनाओगे चूल्हे पे रोटी बताओ आप। आज का जिसने अखबार पढ़ा होगा, आज का अखबार जिसने पढ़ा होगा, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, बताओ ये कहा गया कि नहीं कहा गया कि जीडीपी नीचे जा रही है। ये तो बीजेपी वाली 4.5 है, ये बताओ बीजेपी वाले कितना झूठ बोलते हैं बताओ पहले, और अगर 100% झूठ बोलते हैं तो 4.5 नहीं है आपकी जीडीपी, आपकी जीरो जीडीपी है, जीरो। और इस ये जीडीपी लुढ़क गई हमने इनके हाथ में, नहीं कटे तो बजाने में प्रयास करो भाई, कभी कभी तो चैनल पे दिखाएंगे भाई। ये मक्के और बाजरे वाली रोटी वाला दिखाएंगे, ये देखने रिकॉर्ड करने दो ने कि हम लोगों को जागना पड़ेगा और सब तरीके के भेदभाव को भूल करके जिस तरीके से सेनानियों ने सबने मिलकर के और गांव गरीब के लोगों ने सहयोग कर करके आजादी दिलाई, उसी तरीके से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों से आजादी दिलानी पड़ेगी।